पंजाब और केपी इंतखाबी फंड से मुतालिक रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन को फंड मुंतकिल नहीं किए गए हैं। ज़ुल्करनैन इकबाल हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ुल्करनैन, अब से कुछ देर कबल भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, वज़ीर आज़म आ गए थे तो आपको काटना पड़ा था। ये बताइएगा कि इस वक्त ओवरऑल क्या सिचुएशन है, रिपोर्ट के हवाले से क्या तफसीलात हैं और रिपोर्ट जमा कराने के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मारूफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट को अपनी शक्ल दे दी गई है और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत एक गैर रस्मी इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और डीजी लॉ और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। जो इनका फाइनेंस विंग है इलेक्शन कमीशन का, उसकी जानिब से रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को तफसीलात दी गई कि अभी तक कोई फंड उनको मुंतकिल नहीं किए गए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया था कि AGPR में जो वन नंबर उनका अकाउंट है उसके अंदर ही ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे जिस पे इलेक्शन कमीशन को अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें अभी तक कोई रकम ट्रांसफर नहीं की गई। ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताई है, जिसके बाद जो तहरीरी रिपोर्ट थी उसको अपनी शक्ल दे दी गई है। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि 17 अप्रैल तक क्योंकि अहकाम वफाकी हुकूमत को भी कि वो सिक्योरिटी प्लान अपना जमा कराएंगे जिसमें पाक फौज, रेंजर्स और वजारत दाखिला के मतहत जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती हैं जिसमें FC भी शामिल है, उनकी दस्तियाबी के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ये प्लान देना था। उसके हवाले से भी हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में उसका जिक्र भी किया गया है कि अभी तक वो सिक्योरिटी प्लान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुआ जिसके अहकाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे। और ये भी पता चला है कि अब से कुछ ही देर के बाद इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो यहाँ पर आएगी और आकर बाबा तौर पर रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी जाएगी जो रजिस्ट्रार के थ्रू जजेस को उनके चैंबर्स में मौसूल होंगे। जी ठीक है, इस हवाले से आप आगाह कर रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गैर रस्मी इजलास हुआ है, रिपोर्ट के हवाले से आपने आगाह किया, ये भी बताया कि रकम अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है, सिक्योरिटी प्लान को बड़ा अहम मौजू बनाया गया था, उस हवाले से भी आपने बताया कि अभी तक इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुई है, मजीद भी आपसे जानते रहेंगे। फिलवक्त आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका।